दोस्तों, भारत और इंडिया में क्या अंतर है? क्या यह अंतर डेवलपमेंट का है, विकास का है, या फिर समृद्धि का है, या फिर यह अंतर पिछड़ेपन और प्रगति का है, या फिर यह अंतर फैसिलिटीज का, सुविधाओं का है कि कहीं है कहीं नहीं है, या फिर यह अंतर शहर का और गांव का है? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह अंतर संस्कृति का है, संस्कारों का है, इतिहास का है, धरोहर का है, ज्ञान का है, विज्ञान का है और सभ्यता का है। जहां एक ओर भारत के पास एक अद्भुत धरोहर है, इतिहास की पूंजी है, वेल्थ है, ज्ञान की गहरी मजबूत नींव है, अस्तित्व की, प्रेजेंस की, आइडेंटिटी की, वहीं इंडिया अभी तक खुद को तलाशने में लगा हुआ है। नहीं, भारत उत्सवों का, त्योहारों का देश है। यहां हर रोज कोई ना कोई त्योहार अवश्य मन रहा होता है। मकर संक्रांति से लेकर श्री अयप्पा पूजा और फिर से संक्रांति, भारत में जीवन का चक्र उत्सव के साथ चलता रहता है। और वहीं मेट्रो शहर के ऑफिस में किसी कोने में बैठा यंग इंडिया का एक सिपाही ये सोचता रहता है कि कहीं दिवाली इस साल संडे को ना आ जाए। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ शहरों का ही हाल है। टियर टू, टियर थ्री या फिर गांव में भी बैठा एक न्यू इंडिया का सिपाही ये सोचता रहता है इंस्टाग्राम पे बैठे हुए कि अब तो दिवाली खत्म हो गई, अब जलसा अगले साल होली पर ही होगा, भारत में हेलोवीन क्यों नहीं मनाते हैं? अब इंडिया वालों को कैसे बताएं कि दिवाली एक बार नहीं, साल में दो बार आती है, नवरात्रि दो नहीं चार बार आती है, और गणेश चतुर्थी और महाशिवरात्रि हर महीने आती है, और हर साल में एक दिन, एक ऐसा अनोखा अद्भुत दिन आता है जहां महादेव शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एक साथ होती है। ऋषिकेश, काशी, उज्जैन जैसे शहरों में इन दोनों की एक साथ पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। और तो और, मराठाओं के शिरोमणि, भारत के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कथा भी इस ही दिन के साथ भी जुड़ी है। क्या आप जानते हैं वो दिन कौन सा है? तो चलिए, देर किस बात की। शिव पुराण के अनुसार चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु महादेव की पूजा करने के उद्देश्य से काशी पहुंचे। चतुर्दशी के देवता महादेव शिव है, तो इस दिन उनकी विशेष पूजा करने हेतु भगवान विष्णु 1000 कमल के पुष्प लेकर चले। वे एक एक मंत्र बोलते गए और साथ ही साथ एक कमल का पुष्प चढ़ाते भी गए। महादेव ने उन 1000 फूलों में से एक फूल छुपा लिया और देखते रहे कि आगे क्या होता है। अब पूजा के दौरान जब 1000वें फूल को चढ़ाने की बारी आई, तब श्री हरि ने देखा कि एक फूल तो कम है। तब बिना किसी संकोच के उन्होंने अपनी कमल के पुष्प जैसी सुंदर आंख को महादेव को अर्पण करने का सोचा। और जैसे ही वे ये करने जा रहे थे, तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं वहां आ पहुंचे और श्री हरि को गले से लगा लिया। उस दिन उन्होंने ये भी कहा कि कार्तिक के चतुर्दशी के दिन वैकुंठपति भगवान विष्णु की भी पूजा होगी और ये दिन वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा कह महादेव ने भगवान विष्णु को तुलसी और भगवान विष्णु ने महादेव को बिल्व पत्र भेंट किया। यही वो एकमात्र दिवस है जब हरि और हर दोनों को एक साथ पूजा जाता है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में
आज के दिन नारायण को विशेष स्थान दिया जाता है। दोस्तों, गर्ग संहिता में लिखा है कि चतुर्दशी का दिन उग्र होता है, यानी वातावरण में चंद्रमा के प्रभाव से उग्रता, उदासी, क्रोध अधिक होती है। और चंद्रमा तो मन का कारक है, तो मन को शांत रखने के लिए चंद्रशेखर को, महादेव शिव को जल चढ़ाया जाता है। आध्यात्म और विज्ञान का कितना सुंदर मेल है ये। अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की छत्रपति शिवाजी से जुड़ी एक और कथा। शिवाजी छत्रपति बन चुके थे, उनका राज्याभिषेक, राज तिलक हो चुका था और रायगढ़ उनकी राजधानी। शिव उनके आराध्य थे और माता जीजाबाई के मन में एक विचार आया कि इस पावन अवसर पर वे भी कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु की ही तरह महादेव को 1000 कमल के पुष्प अर्पण करें। पर शिवाजी ने उन्हें ऐसा स्वयं करने से मना कर दिया, क्योंकि पुष्प थे 1000, वे खुद कैसे उनको चुनकर लेकर आते। तो शिवाजी ने कहा कि वे ये कार्य किसी और को सौंप देंगे। परंतु तब माता जीजाबाई ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जो भी इन कमल पुष्पों को तोड़े वो इन्हें छुए नहीं, और उसके मन में इन फूलों को महादेव को अर्पण करना है ये विचार भी नहीं आए। नहीं तो इस मन के भाव से पहले से ही वो फूल महादेव को अर्पण किए जा चुके होंगे। तो फिर माता जीजाबाई उन बासी फूलों को शिव को पुनः अर्पण नहीं करेंगी। अब शिवाजी थे दुविधा में, उन्होंने ये बात अपनी सभा में रखी। अब सभा भी चुप। तब उनके अंग रक्षकों में से एक विक्रम दलवी नाम का एक युवक सामने आया और उसने कहा कि वो ये कार्य कर सकता है। पर कैसे, ये जानने के लिए उस तालाब के आसपास जहां हजारों कमल के पुष्प थे और जहां विक्रम दलवी उन फूलों को बिना छुए तोड़ने वाले थे, भारी भीड़ जमा हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई भी वहां पर मौजूद थे। फिर वहां विक्रम दलवी पधारे, उनके एक हाथ में धनुष था और दूसरे हाथ में तीरों का तरकश। उन्होंने पहले तो तालाब के आसपास का अन्वेषण किया और फिर वे धरती पर छाती के बल लेट गए। उन्होंने धनुष को अपने हाथ में पकड़ा और फिर उस पर तीर को साधा और फिर धनुष बाण का मुंह तालाब की ओर किया। उनका ध्यान कमल के एक पुष्प पर ही था। उन्होंने एक आंख को बंद कर पानी के अंदर जो हल्की सी कमल के फूल की डंठल दिख रही थी उस पर ही केंद्रित किया। हर ओर सन्नाटा, खामोशी, एक अजीब सी उत्सुकता भरी शांति। तभी हवा को चीरते हुए विक्रम दलवी के धनुष से एक तीर निकला और एक कमल का फूल तालाब के पानी में तैरने लगा। फिर दूसरा तीर, फिर तीसरा तीर, और ऐसा करते हुए कई सारे हजारों कमल के फूल पानी पर तैरने लगे। अंततः विक्रम दलवी उठे, नाव पर बैठे, बड़े से चिमटे से उन सभी फूलों को इकट्ठा किया और फिर माता जीजाबाई के कदमों, उनके चरणों में एक टोकरी में रख दी। तब राजमाता जीजाबाई ने कहा कि विक्रम दलवी का ध्यान इतना केंद्रित था, इतना लक्षित था कि उनके मन में कोई और विचार आ ही नहीं सकता था।
तभी तो ये अद्वितीय, ये अद्भुत कार्य हो पाया। और इसी कारण ये सारे कमल के फूल महादेव को अर्पण करने लायक हैं। उस दिन पूरे मराठा साम्राज्य ने वैकुंठ चतुर्दशी का वो पावन उत्सव अति धूमधाम से मनाया। और आज भी महाराष्ट्र के कई जिलों में, कई गांवों में ये दिन उतने ही उत्साह के साथ, उतनी उमंग के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, निष्ठा, धैर्य, भक्ति, मातृ प्रेम, इतिहास से सीखने की यही सारी बातें तो भारत की धरोहर है। और यही सारी बातें भारत और इंडिया के बीच का अंतर भी कम कर सकती है, नहीं? आशा करता हूं कि आपको आज की हमारी ये कथा अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को और आगे शेयर करें। धन्यवाद। This is where stories begin.